जैसे कि आप सब जानते हैं गाइस, नार्को टेस्ट क्या होता है, इस वीडियो में यही बात करेंगे। जैसे कि गाइस आप बता दो, जैसे कि हाथरस का जो भी केसेस था उसमें यही कहा जा रहा था कि परिवार लोग का नार्को टेस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो गाइस नार्को टेस्ट क्या होता है इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे एकदम स्पष्ट से, एकदम सिंपली वे में। तो गाइस सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, चलिए शुरू करते हैं। गाइस नार्को टेस्ट क्या होता है, एक क्रिमिनल पे यूज़ किया जाता है। क्रिमिनल जैसे कि क्रिमिनल कोई होता है वो मुंह नहीं खोलता है, वो सच्चाई नहीं बताता है, उसको मारने के बाद, कूटने के बाद, थर्ड डिग्री देने के बाद भी वो सच्चाई नहीं बताता है। तो उसमें एक लास्ट एक स्टेप आता है कि नार्को टेस्ट किया जाए इसका, और ये सब उगल देगा ये क्या राज है, किसके साथ मिला हुआ है, सब पूरी उगल देगा, उगल के रख देगा पुलिस वाले के सामने। तो पुलिस वाले कुछ पूछते हैं, वो टेस्ट लेते हैं, समझिए सवाल जवाब होता है, तो वो अपना आंसरिंग करता है। मतलब नार्को टेस्ट ये होता है गाइस, एक ट्रू ड्रग होता है जो कि वो एक वो क्रिमिनल को दिया जाता है। अब वो क्रिमिनल की हेल्थ भी देखा जाता है कि वो हेल्थ उसकी सही है, कंडीशन सही है, तो डॉक्टर भी लोग होते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, उन सब खड़े होते हैं, उनके बीच में सब दिया जाता है ताकि उस पर उसकी हेल्थ भी सही रहे, मतलब हेल्थ को देख के ही दिया जाता है। एंड देन वो जब उसको ड्रग दिया जाता है तो उसका जो पूरी जो शरीर है, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बच्चा हो गया हो। मतलब जो पूछे, एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि जो पी लेते हैं टून हो जाते हैं, तो वो क्या उनको क्या है दुनिया का पता ही नहीं कि दुनिया वो कहाँ चल रहे हैं, रोड पर भी चल रहे हो तो समझते हैं कि गार्डन में कहीं चल रहे हो। तो वो जो भी इनके दिल में होता है, जो भी वो बंदे के दिल में होता है, वो उगल देता है पुलिस के सामने, जो भी क्वेश्चन आंसर करते हैं पुलिस वाले, तो वो बक देता है। अब गाइस इसमें ये नहीं है कि वो पूरा ही बक दे, वो बकते बकते सो भी जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं, क्योंकि बेहोशी हालत में रहते हैं। एंड देन गाइस सच कैसे बकते हैं वो आपको बताता हूँ। जैसे कि गाइस सच बोलने में देखिए गाइस ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगता है, अब झूठ बोलने में इतना दिमाग लगता है, दिमाग खर्चा होता है, तो उन लोग की दिमाग एक टाइम पर कह सकते हैं कि दिमाग उतना दिमाग लगाने में कि उनकी शक्ति नहीं रहती, एक टाइम पर उन लोग की शक्ति नहीं होती, उतनी शक्ति नहीं होती, एकदम कह सकते हैं कि वो बेहोशी हालत में रहते हैं। और एक वो बॉर्डर पर रहते हैं, तो वो बेहोशी हालत में क्वेश्चन आंसरिंग करा जाता है कि भाई कौन था वो, ये कौन था, वो कौन था, तुम कहाँ थे, तुम ये कैसा है, वो ऐसा है। तो वो कभी कभार ये होता है बेहोश भी हो जाते हैं सवाल जवाब करने में। तो उस हिसाब से उनको ड्रग्स और ये सब दिया जाता है, ट्रू ड्रग, और वो भी डॉक्टर के रहते में, मौजूदगी में ये सब करा जाता है। तो और जैसे कि गैस एक एग्जांपल एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि गैस जो टूम हो जाता है, जो पी लेते हैं दारू, और उनके बाद उसके बाद वो क्या करने रहता है, जो भी दिल में होता है, दिल का विचार सब बताते हैं कि मैं पीता नहीं हूँ, मैं पीता हूँ गम भुलाने के लिए, ऐसे सब गाना वाना गाने देते हैं और पूरा दिल का हाथ बता देते हैं। जैसे कि गैस तारक मेहता आपने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, तो अय्यर बबीता का कॉल सुन लेता है और उसके बाद वो पीने के बाद अपना सच्चाई बयान करता है, लेकिन वो आधा आधा बयान करता है, फिर सो जाता है, फिर बेहोश हो जाता है। वही बात यहाँ पर भी, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा सरासर ऐसे ही मिलता है और ये सब ऐसे ही प्रोसीजर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।